डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। आज इसलिए ये चुनाव सिर्फ साधारण चुनाव नहीं है, चुनौती है गरीबों के लिए, आदिवासियों के, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, पिछड़ों के लिए। आज आप देख रहे हैं हमारी यहां पर मां बहनें प्याज का माला टांग के घूम रही है। क्यों? आज कौन सा ऐसा दिन आन पड़ा कि प्याज का माला पहनना पड़ जाए? इसका मतलब क्या है मालूम है? आज इसलिए ये प्याज नहीं है, ये प्याज के रूप में ये सोना का माला हो गया आज, इसलिए ये माला लोग पहन रहे। हमको कई जगह हमको भी माला पहनाया प्याज का। आज महंगाई आसमान छू रहा है, नौजवान बेरोजगार का पहाड़ खड़ा कर रहा है, आज गरीब भूख से मरने पर तैयार है। आज आप लोगों से हम सुनना चाहते हैं कि इस देश में, इस राज्य में मोदी चाहिए कि रोटी चाहिए? बताओ, रोटी चाहिए कि मोदी चाहिए? नौजवानों को रोजगार चाहिए कि रघुवर दास चाहिए? बताओ। तब आज मोदी और रघुवर दास दोनों को खदेड़ो, तभी रोटी और रोजगार मिलेगा, नहीं तो सब नहीं। आज इसीलिए आज पूरा देश में तबाही मचा हुआ है। क्या पिछला चुनाव में बोलता था? 15 लाख रुपए खाता में आएगा, नौजवानों को रोजगार देंगे, महंगाई घटाएंगे। महंगाई उंगाई घटा नहीं, 150 रुपया प्याज खिला दिया। कुछ साल पहले तो ये लोग 100 रुपए किलो भी नमक बिचवाया है देश के अंदर इन व्यापारियों ने, और अभी इन लोग फिर से निर्णय लिया है। अभी ठीक चुनाव के बाद, ठीक चुनाव खत्म होगा 20 तारीख को, 21 तारीख से फिर से इस देश में महंगाई बढ़ने जा रहा है। जो सामान में अभी 5% टैक्स लग रहा था, उसमें 6 से 8% हो जाएगा। जिस सामान में अभी 12% टैक्स लग रहा है, वो 15 से 16% हो जाएगा। और वो सामान कौन सा है? वो सामान गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार लोग उपयोग करता है, उन सामानों का दाम बढ़ेगा। गाड़ियों का, बड़ा बड़ा गाड़ियों का, ट्रक का, हवाई जहाज का दाम नहीं बढ़ने जा रहा है, दाम बढ़ेगा किसान का, बीज का, खाद का, महिलाओं का साड़ी का, धोती का, लुंगी का, नौजवानों का किताब का, कलम का, चप्पल का, नमक का, तेल का, सब्जी का, बेतहाशा दाम बढ़ेगा। और अब जो अभी आप 150 रुपया किलो प्याज खरीद रहे हैं, ठीक चुनाव के 21 तारीख से आप लोग ये चुनाव, ये प्याज 500 रुपया किलो मिलेगा। और इसीलिए, क्योंकि देश का खजाना इन लोगों ने लूट लिया है, देश का खजाना ही खाली कर चुका है, देश चलेगा कैसे? 2 महीना पहले अपना व्यापारी मित्रों को टैक्स में कमी ला करके भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया का उन लोग को मदद पहुंचा दिया, और यहां खजाना खाली कर दिया। अब इसीलिए ये लोग, कभी आप सुनेंगे रेलवे स्टेशन बिक रहा है, कभी आप सुनेंगे रेलगाड़ी बिक रहा है, कभी आप सुनेंगे BSNL बिक रहा है। ये सभी सरकारी कंपनियों को बेचकर और गरीबों का जेब में डाका डाल करके ये लोग देश को चलाने पे लगा है। आज जिस तरीके से देश में इन लोगों ने आग लगाया है, दिल्ली आग जल रहा है, दिल्ली में, इधर आसाम त्रिपुरा में आग लगा हुआ है, बंगाल में आग लगा हुआ है, चारों तरफ देश में इन लोगों ने दंगे फसाद करा रखे हैं। आज नागरिकता बिल के नाम पर आज असम में बाहरी लोगों को बसाने के लिए वहां पर असामी और बंगाली लोग को लड़वा दिया। आज आदिवासी को आदिवासी से लड़ा रहा है, दलित को दलित से लड़ा रहा है, पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ा रहा है, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहा है। आज इसी तरीके से ये इस राज्य में भी करेंगे। रघुवर दास ने तो स्थानीय नीति ऐसा भी परिभाषित कर दिया है कि दूसरा राज्य का लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। आज इन्होंने नागरिकता बिल के नाम पर दूसरे देश के लोगों को यहां पर घुसाने का प्रयास करने का काम कर रहे हैं। आज इसलिए साथी, ये लोग आज पुलिस के बल पर, जिस तरीके से अंग्रेज पुलिस के बल पर यहाँ के लोगों पर शासन किया, आज ये देश के अंदर जो गुजराती अंग्रेज लोग हैं, इन लोग भी पुलिस को अपना आदमखोर बना करके, आज आप देखिए दिल्ली में कॉलेज में घुस घुस कर लड़कियों के साथ कितने बुरी तरीके से इन लोगों ने पिटाई की, और आज उसी तरीके से आसाम में पुलिस और CRPF की गोली से
वहां के नौजवानों की जान ली जा रही है। आज हमारे इस राज्य में किसानों के ऊपर गोला, रामगढ़, हजारीबाग, कई जगह पर गोलियां बरसाई, अनेक किसानों की हत्याएं कर दी। वो किस लिए उन पर गोली चलाया गया है? वो जमीन की लड़ाई के लिए। आज ये लोग इस देश के जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं पर लूटने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा, हम लोग का अबुआ, हम लोग का सीएनटी एसपीटी कानून मिटाने का प्रयास हुआ, आज भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव हुआ, वन अधिकार कानून में बदलाव हुआ। आज इस राज्य में पैसा आया करोड़ों करोड़ रुपया। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं खा गया यहां पर पैसा, कौन खाया पैसा ये नहीं बताते। उनका जो लठेत या रघुवर दास बैठा हुआ है, वही गरीबों का हक अधिकार लूटा। आज इतना रुपया यहां आया, हम पूछना चाहते हैं रघुवर दास से कि अगर इतना करोड़ रुपया इस राज्य में आया तो आज तुमने पारा शिक्षक को क्यों लाठी डंडा मारा? आज उन लोगों को मरने पर क्यों मजबूर किया? आज इतना रुपया आया तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर क्यों तुमने लाठी चलाया? आज इतना रुपया लाया तो आज हमारे नौजवान बेरोजगार क्यों हो गए? आज इसलिए साथी, आज हमारा लोग यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारा लोग भूख से मर रहा है। आज इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, समय के अभाव में ये हमको जल्दी आने के लिए कह रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सब लोगों से हम बता दें कि आज हम आप लोगों से सुनना चाहते हैं, समर्थन लेना चाहते हैं, क्या बेरोजगार करने वालों को वोट दीजिएगा? आवाज कहाँ आ रहा है जी? सब हेलीकॉप्टर देखने चला गया। क्या सरकारों को आप वोट दीजिएगा? क्या महंगाई बढ़ाने वाला को वोट दीजिएगा? आज इस सरकार ने तो हमारे पिछड़े वर्गों का आरक्षण भी खत्म कर दिया। आपको तो मालूम है, 5 साल डबल इंजन की सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया। हमने तय किया है सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर पिछड़ों को 27% का आरक्षण देने का काम हमारी सरकार करेगी, महागठबंधन की सरकार करेगी। आज हमारा किसान कोई आत्महत्या ना करे, इसलिए हमने ये भी निर्णय लिया है इस राज्य का किसान का जितना भी कर्जा है, हमारी सरकार उन कर्जा को माफ करने का भी काम करेगा। ये हम लोगों ने निर्णय लिया। हमने ये भी निर्णय लिया है इस राज्य में जितने भी गरीब और मध्यवर्गीय लोग हैं, इन सब लोगों का हम 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। ये भी हमने निर्णय लिया। ऐसे अनेकों चीजें, हमारी महिलाओं को जो धोती साड़ी हमने बांटा था वो फिर से चालू होगा। 5 रुपया में भरपेट अनाज प्रखंड मुख्यालय में मिलता था, वो भी चालू होगा। इसलिए साथी, अब इस राज्य में रघुवर सरकार को उखाड़ फेंकना है और ये उसकी पूरी जमात को, जिस तरीके से वहां पर महाराष्ट्र में शिवाजी के तीर धनुष ने महाराष्ट्र से भाजपा को खदेड़ा है, यहाँ पर सिद्धू कानू का तीर धनुष भाजपा को खदेड़ने का काम करेगा और यहाँ पर अपना सरकार हम लोग बनाने का काम करेगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।